दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पानीपुरी फ्लेवर के खाखड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ जो सारी चीज़ें ली हैं वो हमें चाहिए। आटा गूंदने के लिए पानी, धनिया पाउडर, नमक, तेल, हल्दी, पानीपुरी मसाला और मिर्च, और चाहिएगा आटा। ये सब कुछ खाखड़ा के आटा गूंदने के लिए जो चीज़ें लगेंगी वो। तो अब हम आटा गूंदेंगे। उसमें पहले हम डालेंगे हरी मिर्च, जो कि स्वाद अनुसार लेनी होती है। आप जितना और जैसे बनाए वैसे स्वाद अनुसार ले सकते हैं। फिर हम डालेंगे उसमें धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार आप जैसे चाहे वैसे डाल सकती हैं, हल्दी, और फिर आखिर में डालना है पानी पूरी का मसाला। फिर आप जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से आटा गूंथते हैं, तेल डाला और उसके बाद पानी से आटा गूंथते हैं, तो हम इसी तरह आटा गूंथेंगे। आटे को बहुत नरम नहीं करना है, थोड़ा सा उसे कड़क रहने देना है, तो उसी तरह से आप आटा गूंथिएगा। ऐसे धीरे धीरे से आटे को गूंदा जाता है और आप भी इसी तरह से गूंदें। इस तरह से हमने आटा गूंदकर तैयार किया है। अब हम खाखड़े को बेलने के लिए बेलेंगे। अब यहाँ पर हमने आटा गूंदकर तैयार कर लिया है और जो आटा है उसे हाथ में लेकर इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसे हम बेलेंगे। तो इस तरह से धीरे से आपको बेलना है, धीरे धीरे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आटा लगा लीजिएगा वरना ये चिपक जाएगा। और जितना हो सके उतना बड़ा आप इसमें कर सकते हैं, राउंड शेप हो या ना हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर थाली लेकर उसके साथ हम इसे एकदम अच्छे से राउंड शेप पर ला देंगे और जो साइड का हो उसे आप निकाल देंगे, और इस तरह से आपके सारे जो खाखड़े होंगे वो एक ही शेप के होंगे। इस तरह से हम दूसरा खाखड़ा भी बेलेंगे। राउंड शेप में ले लेंगे इस बीस की तरह, बीस से लगाकर आप इसी तरह सारे खाखड़े ले लें और उसके बाद हम इसे सेकेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले गैस पर तवे को गर्म होने के लिए रखा है। ये गर्म हो गई, इसके बाद इसमें खाखड़ा डालकर इसको हम सेकेंगे। जो थेपला दबाने का आता है उससे खाखड़े को सेकना है हमें। अभी इसे पलट देना है दूसरी ओर।
में थोड़ा सा तेल या घी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इससे खाखरा है वो क्रिस्पी और स्वादिष्ट होता है। इस तरह से खाखरे को किनारियों पर हमें सेक लेना है। सभी और किनारियों को इस तरह से अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इसे पलट देना है और पीछे की तरफ इस तरह से हमें करना है। इस समय गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। खाखरा रेडी हो गया है। आप देखिए देखने में कितना अच्छा और स्वादिष्ट लग रहा है। आप भी घर पर एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा।